हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, इतनी मॉर्निंग में मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज हम लोग की स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से एक कॉम्पिटिशन आया है, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ टाइम कितना हो रहा है। गाइस, आप लोग देख सकते हो कि सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी पूरा अंधेरा है। इस पूरी सोसाइटी में अंधेरा है और अभी हम लोग उजाले में निकलेंगे बाहर। सो गाइज, इतने दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हम लोग की शिफ्टिंग हो रही थी। वो घर हम लोग ने छोड़ दिया है। 3 दिन से हम लोग ये घर पे रह रहे हैं और इस घर का भी मैं आप लोग को जल्दी बता। और गाइज, मैं कंपटीशन के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, मेरे को जाना है 7 o'clock को। सो फिर वहाँ पे हम लोग को जाना है, एक गार्डन है तो उधर पे जाके हम लोग को पेपर मिलेगा। वहाँ पर जाके हम लोग को फटाफट से ड्राइंग करना है। 7 o'clock से 11 o'clock तक हम लोग को ड्राइंग करना है और फिर पेरेंट्स आएंगे और हम लोग को मनी भी मिलेगा। तो आप लोग सोच रहे हैं 500, 100 सब नहीं मिलने वाले। आप लोग को जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा 25,000, जो सेकंड आएगा उसको मिलेगा 20,000 और जो थर्ड आएगा उसको मिलेगा 15,000, जो फोर्थ आएगा उसको मिलेगा 5,000। सो गाइस, कमेंट में आप लोग दुआ ज़रूर करना और इंशाल्लाह ज़रूर लिखना कि मैं भी जीत जाऊँ प्राइज़ और मैं फर्स्ट नंबर से पास हो जाऊँ। सो गाइस, अभी मैं यूनिफॉर्म भी पहनूँगी तो चलो देखते हैं। आई एम लीविंग नाउ। ये देखो मेरा लुक अच्छा। ये देखो, मैंने बैग भी पूरा पैक कर लिया है, सब सामान रख लिया है और अभी हम लोग निकल रहे हैं। और आप लोग दुआ करिए कि मैं फर्स्ट नंबर से पास हो जाऊँ और मेरे को ड्राइंग अच्छी आती है। तो चलो देखते हैं मैं कैसे बना पाती हूँ और हम लोग को 11 o'clock तक प्राइज़ भी मिल जाएगा और 12 o'clock तक हम लोग घर पर। सो गाइज, अभी मैं आ चुकी हूँ घर पे और हम लोग अभी मैं अभी स्कूल से आई हूँ, मैं आप लोग को बताती हूँ। और अभी आ चुका है नाश्ते में मिसल पाव। ये देखो गाइज, मैंने ड्राइंग करके आई है। अभी देखते हैं लोग क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट लेके आएंगे छोटा सा। तो अभी हम लोग ये बात की ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रीटमेंट करते हैं, मिसल पाव के प्रोफेशनल। मैंने लेके आई हूँ गाइस मैंगो आइसक्रीम सेट। इतना सारा ले लिया गाइस। अब गाइस, हम न्यू होम में आए हैं इसलिए आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ। उसका नाम है चौको मिनी चोकोलावा केक। सो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ उसकी रेसिपी क्या है। गाइस,
अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं मिनी चोकोलावा केक। तो सबसे पहले आप लोग को उसके लगेगी ऐसी छोटी छोटी सी बाउल डब्बी, घर में रखी रहती है, या फिर आप लोग आइसक्रीम का जो बॉक्स आता है ना वो ले लो। और ये ना अलबैग से हम लोग मंगाते हैं, इसमें चटनी आती है, तो ये भी हम लोग यूज़ में ले लेंगे। ठीक है, मैंने 5 ले लिया, हम लोग 5 जन हैं। फिर ये आप लोग को 2 डेरी मिल्क ले लेनी है, हाफ हाफ। और ये है सिज़रेल केक, सिज़रेल केक, सिज़रेल केक केक। नहीं गाइस, ये स्विस रोल है, तो ये भी ले लेना आप लोग को। मैं आप लोग को आगे भी इस पर बताऊँ। कर लिया है इसको बनाना, पाड़ लेती हूँ अच्छे से। और ये केक, ये स्विस रोल है, ये आपको कोई भी शॉप पे आराम से मिल जाएगा, और ये सिर्फ 10 रुपीज़ का आता है। सो इजीली आप लोग इसको परचेज कर सकते हो, तो मैंने ये सिर्फ 2 ही लिया है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग इसमें चॉकलेट केक बना सकते हो अगर आप ये लोगे, लेकिन मेरे पास थी ये सब को दे दो तो ये सब थी मेरे पास, इसलिए मैंने नहीं लिया, मतलब तो इसमें नहीं बनाऊंगी। तो अभी सबसे पहले आपको तो इसको इससे करके मैश करना, तो अभी मैं आपको मैश करने के बारे में। चौक ये केक तो पूरा मैश हो चुका है, और अभी आप लोगों को मिल्क से जहाँ पर भी आप लोग इसको लगाओगे ना, वहाँ पर ऐसे करके आप लोग ना मिल्क की कोटिंग कर लेनी है, ताकि ये नीचे का जो पार्ट है ना, जो केक है वो इसमें स्टिक ना हो, मतलब आराम से निकल जाए इजीली। सबसे पहले हम लोग इसे ऐसे करके लेके डाल देंगे थोड़ा सा, और उससे स्पून की हेल्प से इसको पूरा अंदर डाल देंगे। ठीक है, फिर थोड़ा सा लेंगे, पर शायद से मुझे केक कम पड़ने वाला है, मैं और लेके आ जाऊँगी अभी जाकर। चलिए एकदम इजीली लोग अंदर डाल देंगे। अभी गिर फिर इसको स्पून से ऐसे ही अंदर अंदर कर जाओ, और ठीक है, फिर उसके ऊपर थोड़े से लेयर लगा दो की, उसके बाद इसको ऐसे कर आप लोग देख सकते हो कैसे मिक्स हो जाएगा अभी ये थोड़ी देर में। फिर इसके ऊपर हम लोग चॉकलेट की कोटिंग करेंगे, फिर ऊपर से इसको केक डालेंगे, और फिर ये बन जाएगा चॉकलेट। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका लावा ऐसे करके गिरेगा, आई एम सो मच स्कैर्ड ऑफ इट। तो गाइस आप लोग देख सकते हो मैंने सबने खा लिया है, और ये लास्ट बचा है मतलब, और ये सैफ अली का है, सैफ अली में थोड़ा कम ही भरी, ज़्यादा नहीं थोड़ा। गाइस अगर कम भरी ना बहुत मारेगा आपको, अच्छे से पूरा मैश करके मार लेने का, चल मारो मारो मारो। सैफ को ऐसा नहीं मार सकते, मतलब उसको केक को ही मार लेते, उसमें क्या हुआ, भाई तो है ना। तो मैंने ऐसे मैश कर लिया, इसमें हम ऐसे दूध का मतलब मिल्क का मिक्स कर देते, और ये फिर इस पैसे मार, सैफ को पीटो जोर से पीटो। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मम्मी रेडी हो गए हैं और मम्मी कहीं तो जा रहे हैं। और गाइस अभी मैं चॉकलेट मेल्ट करूंगी, मम्मी लो चॉकलेट मेल्ट करके दो। गाइस मैं सब करती हूँ, गाइस आप लोग देख सकते हो व्लॉग में, व्लॉग में वीडियो में रीवा काम करती है और घर में। गाइस मम्मी इज मेकिंग लॉलीपॉप, लॉलीपॉप कलर वाली, कलर रियल कलर नहीं डालती है मेरी मम्मी। नहीं आज है ना मसाले का पैकेट नहीं था ना, तो मम्मी आज कलर में मिलावट कर रही है, मतलब चिकन में मिलावट कर रहे हैं मम्मी। घर का मसाला है ये, तो इसमें थोड़ा सा रंग डाल दिया, मैं अच्छा नहीं लग रहा है मेरे। गाइस आप लोग को अगर रेसिपी चाहिए तो पिन करो, कमेंट करो मम्मी को, मम्मी कमेंट करो भाई, कमेंट करेंगे तो मम्मी रेसिपी देंगे। ओके हाँ चलो आ गया। अभी मैंने इसमें डाल दिया है चॉकलेट, ये देखो डेरी में अभी लास्ट बाकी है, वो जो सेफ के हाथ में है, और अभी ये मैं 2 और बाकी है इसको करना। सेफ क्यों बैठा है? हाँ क्यों बैठा है? मैं लेट गया था, केक खाने बैठा है। मैं अभी
लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप कैसी लगी देखो चिकन मैंने चिकन आधी छोड़ दी क्यों नहीं अच्छी लगी क्या अच्छी लगी और नमक थोड़ा कम अच्छा ओके वो सही से खाने नहीं आता इसको सही से लॉलीपॉप खाने नहीं आती देखो मतलब ऊपर ऊपर से खा लेता है छोड़ देता है अभी ओपन करके ये दोनों में आपको बता के बताती हूँ आज संडे है तो अरिबा ये सब कमाल कर रही है ना अरिबा अरिबा वैसे भी मोर डाइट में चल भी रहेगी हाँ तो सुखाने का ही तो है ठीक है अभी इसको हम लोग नहीं सुखा मत फ्रिज में मत रख अभी इसको भारी करनी फ्रीजर में मत रख फ्रिज में रख ठंडा रहेगा सुबह अभी मैंने पहले केकी खाया अभी पहले मैं खाना खा रही हूँ तो खाने में आज दाल चावल है दाल चावल चिकन लॉलीपॉप चिकन लॉलीपॉप जीरा और जीरा सोडा 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 जीरा सोडा है और अभी मैं आप लोगों को खाने के बाद बताऊंगी और पानी और केक कैसा और पानी चलो खाने के बाद गाइज मैंने इसको पूरा रेडी करके इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जर्सी लिस्ट लगा दिया है और मुझे खांसी हो चुकी है तो इसको आप लोग ऐसे तोड़ना है और बिस्मिल्लाह ये चॉकलेट केक नहीं है हाँ गाइज ये पेस्ट्रीज है मैंने में दो दो है सब आप तू खा कर बताओ गाइस बहुत टेस्टी है आप लोग इसको घर पे ट्राई कर सकते हो और अगर आप लोग इसको घर पे बनाओगे ना तो थोड़ा ज़्यादा चीज़ें ले लेना क्योंकि मैंने ना एकदम थोड़ा थोड़ा से ही भरी हूँ ये है मिनी मिनी चॉकलेट लेकिन ये चॉकलेट केक लगा था मुझे चॉकलेट गिरता चॉकलेट नहीं गिरता है अब मैम आप लोग खाने के बाद मिलते हैं मेरी डैडी भी घर पर नहीं है डैडी अपने फ्रेंड के निकाह में गए हैं सो डैडी अभी आएंगे थोड़ी देर में और नहीं गाइस सो और अभी हम नुमान भाई भी नहीं है उसके एग्ज़ाम्स चल रहे इसलिए वो नहीं आए मतलब ये वो घर पे नहीं है पढ़ने ट्यूशन गया है सो अभी हमने खाना पीना कर लिया है और गाइस आप लोग सोचते होंगे कि मैं ब्लॉगर हूँ मैं आर्ट्स भी करती हूँ मैं खाना भी पकाती मतलब कुछ इंटरेस्टिंग सा मतलब रेसिपीज बताती हूँ क्यों गाइस क्योंकि मुझे इसमें ये सब में इंटरेस्ट है ये सब आर्ट्स में ही आता है तो इसमें मुझे सब में बहुत इंटरेस्ट है मैं आप लोग को अभी फ्यूचर में और न्यू रेसिपीज लेके आऊँगी तो वेट फॉर इट और अभी तक इसको अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं इसका आधा खा के दूँगी बाद में तो गाइस चलो अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है अभी खा भी लिया मेरा सब हो चुका है और मैं आप लोगों को फ्यूचर में और ड्राइंग्स दिखाऊंगी सो गाइस आज के लिए इतना काफी था आज का व्लॉग यही एंड करते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब बेल आइकन दबाना मत भूलना बाय